आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम पांडे। पूरी दुनिया में जग प्रसिद्ध है संगीत और संगीतकारों को बहुत इज्जत दी जाती है। बट क्या आप जानते हैं संगीत पे जो चार चांद लगाता है वो है उसके यंत्र, जो इस्तेमाल किए हुए यंत्र। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी हटके होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक इंसान से मिलाना चाहूंगी जो ये यंत्र बनाते हैं कस्टमाइज से लेके। आप अगर रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं इनके पास तो ये वो भी काम करते हैं। तो चलिए आगे। तो वैसे शौक से रखते हैं, बजाते भी हैं, बजाते हैं। नमस्कार काका। नमस्कार। आप मुझे अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा निरजकर है। अच्छा, और मुझे आप अपनी दुकान का नाम बताइए और दुकान का एड्रेस बताइए। मेरे शॉप का नाम है अमर संगीत वाद्यालय और ये एरिया को कहा जाता है भावरंगारी मार्ग। ये सकल ऑफिस के यहीं पे 614 बुधवार पेट नियर सकल ऑफिस। अच्छा, आपको इस फील्ड में कितने वर्ष हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं आप ये काम कर रहे हैं? मैं अभी ये 37 रनिंग है मुझे, मैं खुद काम कर रहा हूँ ये, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर भी करता हूँ और रिपेयरिंग भी है मेरे पास। सो गाइस, 37 इयर्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत लंबा समय का एक्सपीरियंस होता है। आप तो मास्टर हो गए होंगे। जी, लोग कहते हैं अभी ऐसा ही मास्टर है। सबकी कितनी पीढ़ी है इस फील्ड में, इस एक्सपीरियंस के साथ कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं अभी तक? अभी पुणे में यहाँ पे अभी मेरा थर्ड चालू है, मेरे बच्चे फोर्थ जनरेशन होगा। फोर्थ जनरेशन। अच्छा, सो गाइस अगर आप देखेंगे तो उनका ये फैमिली प्रोफेशन है, सारे लोगों को, इनके सारे जनरेशन को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे दुकान में तो दुकान में भी बहुत तरीके के यंत्र रखे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अंकल से कि ये जो यंत्र है इनके महत्व क्या है, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। अंकल थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप किस प्रकार के यंत्र बनाते हैं? ये गिटार है, ये कस्टमाइज गिटार है, ये जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहता है उनका, तो उन लोग फोटो सेंड करते हैं मुझे नेट के ऊपर कि हमें ये डिजाइन चाहिए, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी इसका काम चालू है ये वाला। ये यूकेलेले है, इसमें इससे छोटा मॉडल वो 12 फ्रेट्स में आता है, ये 18 फ्रेट्स का है और इसको नायलॉन स्ट्रिंग्स आते हैं। ज्यादातर अभी ये कॉम्पैक्ट छोटा साइज रहने में ये कंफर्टेबल लगता है यूथ जनरेशन को कैरी करने के लिए। अभी रश ज्यादा रहता है तो उनको यही ज्यादातर बजा रहे हैं गिटार के बाद में। कस्टमाइज गिटार में भी बॉक्स छोटा चाहिए तो उनको मिल जाता है बना के मेरे से। तो आप सब तरीके के कस्टमाइज, जैसे लोगों की प्रेफरेंस होती है, अंकल उस तरीके से बना के उन्हें डिलीवर कर देते हैं। जी। अच्छा, और मुझे बताएंगे आप पुराने यंत्र जो है, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उनके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी। अभी ये जो कानपुरा है ये भी अभी ये पुराना है, ये कस्टमर को देना है मुझे, डिलीवर करना है। तो ये भी रिपेयरिंग किया हुआ है, अभी ये पूरा रिपेयर करके ये कस्टमर को दे रहा हूँ। ये वाला है। ये उठा के दूं आपको? हाँ। अभी ये सेकंड हैंड तानपुरा है, अभी इनका इनको कस्टमाइज ही करके दे रहा हूँ कि इनका रिक्वायरमेंट था कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए। अच्छा। तो ये रिपेयर सेकंड में ये देना है तानपुरा बनाकर। अच्छा। तो अभी ये तकरीबन फिनिश होते ही आया है, अभी और थोड़ा काम बाकी है इसमें। ये ऐसा है, तो ये छोटी सितार है ये। हाँ। तो इसका भी काम चालू है अभी, ये भी बजने वाला है, तो ये शो भी रखते हैं घर पे। हाँ। और ये प्ले भी करते हैं इसमें, इसके पर्दे वगैरह स्ट्रिंग्स, 7 स्ट्रिंग्स आते हैं इसको। अच्छा। तो अभी ये पूरा फिटिंग होना है, तो ऐसे भी छोटे इंस्ट्रूमेंट है। कोई मूवी आपने, आपको कोई मूवी या कोई ऐसा सॉन्ग याद है जहाँ पे आपके यंत्र आपसे, थिएटर या कोई बॉलीवुड के लोग आके आपसे यंत्र की रिक्वायरमेंट की उन्होंने? नहीं, ये अभी बॉम्बे में ज्यादातर है तो उन लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह है इंडस्ट्री में तो है, मगर वो 2-3 ही लोग है वहाँ से जो आते हैं इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री में है। बॉम्बे में है आर्टिस्ट लोग है, काफी लोग है वैसे, काफी लोग है जो आपके जान पहचान के हैं। और ऐसी रिपेयरिंग के लिए भी मैंडोलिन्स मेरा स्पेशलिटी है, मैंडोलिन्स और गिटार। ये जो लकड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। ये लकड़ियां एक ही तरीके की लकड़ियों से? नहीं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में अलग रहता है। अभी ये जो तानपुरा है इसमें एक किस्म का अलग लकड़ी है, हमारे गाँव में ही मिलता है मिरज में, जो तुन का लकड़ी कहते हैं उसको, रेड कौन सा लकड़ी कहते हैं? तुन का लकड़ी कहते हैं जी। और ये गिटार में है, वो प्लाय में भी आता है और वुडन में भी आता है। थोड़ा सा इसे बता देंगे कि किस को क्या क्या कहते हैं, कौन से यंत्र कहते हैं? ये वाला है, ये वुडन गिटार का है, अभी इसका काम चालू है, ये मैपल वुड में है, ये पूरा बॉडी इसका ये ऐसा, ये वाला जो गिटार है ये बॉक्स गिटार आएगा, ये कटवे मॉडल कहते हैं इसको। ये वाला है, ये भी कटवे चाहेंगे, ये
तो एक बॉक्स गिटार भी आता है कटवे, ये साइड में कट रहता है ऐसा, तो इसको कटवे कहते हैं। ये अभी फिटिंग के लिए मुझे डिजाइन बनाना है, तो ये फिट करने के लिए यहाँ से कटिंग होगा। ये पूरा वुड में आता है, ये मैपल वुड में आता है, वुडन गिटार आता है। ये थोड़े कॉस्टली जाते हैं। ये वाले पूरा टोटली प्लाय है इसको, ये रोज वुड का फ्रेटबोर्ड आता है इसमें, और लैकर फिनिश या हैंड पॉलिश जो जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा कस्टमर का। ज्यादातर लैकर वाले ये थोड़ा कॉस्टली जाते हैं ये इंस्ट्रूमेंट पूरे। अच्छा जी, ये बताएंगे ये यंत्र कौन कौन से हैं? ये है मैंडोलिन है, ये भी ये जर्मनी मैंडोलिन है, इसको पॉकेट मैंडोलिन कहते हैं। ये 100 इयर्स पहले जर्मनी में बनता था, ये भी एक मॉडल बनाकर रखा हूँ मैं। अच्छा। इस पे भी काम कर रहा हूँ। ये भी है, ये मोरक्को का है, ये फ्लैट है बाउल का। ये वाले काफी सुंदर है, ये पीछे से तो काफी सुंदर लग रहा है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है ये वाले, ये भी मैंडोलिन ही है ये वाला। ये डबल नेक के भी है ऐसा, ये एक मैंडोलिन है, ये पॉकेट ये बैकपैकर मैंडोलिन कहते हैं इसको, ये मॉडल को। अभी ये भी यूएस का टकामिन कंपनी का मॉडल है ये। और मेरे पास ये ऐसा डबल नेक के भी ऑर्डर के हिसाब से काम चलता है, तो ये डबल नेक के भी ऐसा मैंडोलिन बनाता हूँ मैं। इसको बेंजो कहते हैं, ये भी ऑर्डर पे कस्टमाइज बना हुआ है यहाँ पे मेरे पास में। इसमें अलग भी बटन्स आते हैं, ये नंबर्स के बटन्स है। हाँ। और एक दूसरा मॉडल आता है उसको हारमोनियम के कीज के जैसा बटन्स रहते हैं। अच्छा। और एक ब्रास इलेक्ट्रिक बैंजो के भी बटन्स आते हैं उसमें। ऐसे ज्यादातर है, टोटल मैं यहाँ पर 35 इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करता हूँ। अभी एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किए थे, ये वीना है, इसको ये पंडरपुर में वारी के टाइम ये प्ले ये वाला ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वीना, इसको वीना कहते हैं। ये पूरा यहाँ हैंडमेड बना हुआ है, इसको लकड़ी का कद्दू रहता है। हाँ। मगर ये पट्टियां जोड़ के मैंने पूरा बनाया है ये। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा मिराजकर है। मेरा ये शॉप है दगड़ूशेठ गणपति भावरंगारी, उसके करीब ही भावरंगारी गणपति है, यहाँ पे सका ऑफिस है, उसी के करीब में है। शॉप का नाम है अमर संगीत वाद्यालय, ये 614 बुधवार पेट में आता है, और यहाँ से शनिवार वाड़ी के बैक साइड में भी ये आता है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9881395895। मेरे पास में कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर भी होते हैं और रिपेयरिंग भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट जितना है, वुडन में जितने हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मेरे पास रिपेयरिंग होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमाइज इंस्ट्रूमेंट जो भी है, यूकेलेले, गिटार, मैंडोलिन्स, ये नेट के ऊपर से जो भी आप मुझे मॉडल दिखाएंगे वो मॉडल बना के मिलेंगे। ये स्पेशलिटी है मेरा मैंडोलिन्स, यूकेलेले और गिटार्स में, वुडन गिटार्स है ये पूरा। नमस्ते, आपका नाम बताएंगे मुझे? इमरान मोहम्मद मुस्तफा। अच्छा, आप अंकल के बड़े लड़के हैं। अच्छा, आप अंकल की किस तरीके से सहायता करते हैं उनकी, ये उनका जो इनका ये जो कला है उसमें आप किस तरीके से उनकी सहायता करते हैं? वो बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जब बनाते थे, मैं देख देख के मुझे भी फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने उसके जो रेगजिन कवर्स होते हैं, केसेस होते हैं, तो वो बनाना शुरू किया। तो वो डिफरेंट टाइप्स के जैसे जैसे रिक्वायरमेंट कस्टमर बताते हैं, जिसको प्लेन वाले चाहिए, किसी को उसमें फोम वाला चाहिए होता है, लेदर वाला चाहिए होता है, तो प्रोटेक्शन के साथ। हाँ, तो ऐसे हम बना के देते हैं। अच्छा, तो गाइज इनके पास जो यंत्र है वो भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ जो आउटर पैकेजिंग है वो भी करके मिलती है, तो यू नो कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है।
तो थैंक यू आप दोनों के टाइम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। थैंक्स।